तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं एस एडिट्स। तो वैसे आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है एंड पूरी देखना। तो वैसे मैं बता दूँ कि मेरी वीडियो को आप 50% तक देख लें, फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, मतलब 50% तक आपको देखना ही है। एंड अगर वीडियो को अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो या नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस अपने बैकग्राउंड से। तो गाइस हम गैलरी में आ जाते हैं। गाइस ये बैकग्राउंड है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना। तो वैसे हमें शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, वैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में से शेयर कर लेंगे। ये शेयर हो रही है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। गाइस ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। एंड गाइस मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले ही रेस कर लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो गाइस बैकग्राउंड रिलीज करना नहीं आता, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख लेना और गाइस बताना कि वो वीडियो कैसी है। एंड गाइस अपने हम मॉडल को ले आएंगे, यहाँ पे ऐड फोटो पर जाएंगे और गाइस अपना मॉडल यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। गाइस यहाँ अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे। एंड गाइस यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे, थोड़ा सा इधर से क्रॉप कर लेते हैं। गाइस यहाँ आ गए हम, तो गाइस इसे थोड़ा सा यहाँ करें, इस जगह पर इसे लगा देना है। गाइस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें। ओके गाइस, एंड आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में गाइस दो पीएनजी ऐड करने हैं आपको। कौन कौन से करने हैं मैं अभी दिखा देता हूँ। ये वाले दो पीएनजी ऐड करने हैं एंड इसे कर देना है गाइस इसे यहाँ रखना है। इस वाले को कर देना है आपको यहाँ से आके ब्लाइंड पर स्क्रीन कर देना है। एंड यहाँ पे एडजस्ट पे आना है, एडजस्ट पे आके सेचुरेशन इनको एकदम डाउन कर देनी है यहाँ से डन करके। तो इसका साइज़ छोटा करना है आपको। एंड गाइस इसके हाथों पर लगा देना है इस जगह पर ऐसे। सॉरी गाइस ये थोड़ा सा वो इन मतलब टच हो गया था, मॉडल पर टच हो गया था। मॉडल को पहले सही कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इसे यहाँ से इस पे लगा लेंगे। ओके गाइस, एंड दूसरा पीएनजी है, कहाँ गया वो, उसे हम यहाँ ले आते हैं। एंड उसे ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन कर देना है आपको। एंड एडजस्ट में जाके इसकी सेचुरेशन आपको एकदम कम कर देनी है। एंड अब आपको गाइस यहाँ से डन कर कर इसकी भी आपको इसे भी आपको छोटा कर देना है, इसे आपको दूसरे हैंड पर लगा देना है। छोटा करके गाइस इसे दूसरे हैंड पर लगा देना है आपको, घुमाकर आपको लगा देना है। ओके गाइस, एंड गाइस यहाँ तक तो हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। एंड आपको एक बार और जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस आपको ये वाला पीएनजी ऐड कर लेना है यहाँ, ये वाला। एंड गाइस की एडजस्ट में जाके इसकी सेचुरेशन आपको डाउन करनी है। एंड ऐसे डन कर कर इसे ब्लाइंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। एंड इसे बड़ा करना है आपको, ऐसे ऊपर से कोई रोशनी आ रही हो। ओके गाइस, एंड यहाँ से इसे भी डन, यहाँ से डन पूरा मतलब फाइनली डन कर देना है आपको। एंड आपको ऐड फोटो में आना है। गाइस हम इसमें एक स्मोक का और एक स्मोक का पीएनजी लगाएंगे। गाइस आप इसे पहले यहाँ इसे ले लेंगे, इसे आपको ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन करना है। गाइस और गाइस इसे बड़ा करना है, और गाइस आपको इसे नीचे की तरफ रखना है, ज़्यादा नहीं इधर रखना है, नीचे की तरफ रख दें। एंड आपको हार्डनेस पे जाना है, मतलब इरेज पे जाना है, इसकी हार्डनेस लो करनी है, ओपेसिटी को अपने हिसाब से देखना है। तो गाइस ये लाइन आ रही है ना, इसको आपको अपने हिसाब से सेट कर देना है, इरेज कर देना है ताकि ये लाइन ना दिखे। ओके गाइस, गाइस हम ये वाला पीएनजी ले लेते हैं, इसे आपको स्क्रीन करना है। एंड गाइस इस वाले को आपको इस जगह पर लगा देना है। एंड गाइस हमारी फ़ोटो एकदम तैयार हो चुकी है। और गाइस हम इसमें लाइट रूम में थोड़ी कलर ग्रेडिंग करेंगे। गाइस आपको इसे ड्रॉ टूल में जाना है, ड्रॉ टूल में आपको एचडी में इसे सेव कर देना है। ओके गाइस, एचडी में आप इसे यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर देना है। एंड गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस हम आ चुके हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है, इसकी एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा कम करना है एक्सपोजर। एंड कंट्रास्ट को बाद में छेड़ना है, हाईलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ करना है,
शेडो को कम करना है, वाइट्स को कम करना है, ब्लैक्स को कम कर देना है। एंड वो आपको जाना है मिक्स वाले टूल में आना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा 1- में रखना है आपको, एंड सेचुरेशन इंक्रीज करनी है, वाइब्रेंस थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। एंड मिक्स टूल में आना है आपको, मिक्स टूल में आपको यहाँ पे इसकी लुमिनेंस बढ़ा देनी है, ओके गाइज, और यहाँ से इसे डन कर देना है। एंड गाइज आपको आना है क्लैरिटी टूल में आना है, इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी इंक्रीज़ करेंगे फ़ोटो की, एंड विग्नेट थोड़ा डाल देंगे फ़ोटो के अंदर। एंड आपको आ जाना है गाइज इस वाले टूल में आना है, शार्पनिंग वाले में, इसकी थोड़ी सी शार्पनिंग इंक्रीज़ कर देंगे हम, एंड नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, कलर्स नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, और स्मूथनेस को बढ़ा देंगे, ओके गाइज, स्मूथनेस को हम बढ़ा देंगे। एंड गाइज अब गाइज हमें क्या करना है, सिलेक्टिव टूल्स जो गाइज हर मॉडल हर लाइट रूम एप्लीकेशन में नहीं आता है गाइज, वो मॉडेड वर्जन में आता है सिर्फ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज आपको आ जाए ब्रश में आना है, ब्रश में गाइज इस जगह पे थोड़ा सा मतलब ब्रश मारना है, एंड यहाँ पे आपका इसका एक्सपोजर कम कर देना है, ओके गाइज, यहाँ से आपको इसे डन करना है। एंड गाइज अब आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे आना है, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, जिससे कि हमारे फ़ोटो में एकदम एक चमक आती है, एकदम बढ़िया फ़ोटो लगने लगती है। तो गाइज हमारी फ़ोटो पूरी एडिट हो चुकी है, तो गाइज मैं दिखा दूँ कि पहले मतलब पिक्सआर्ट में जो हमने एडिट करी थी वो फ़ोटो कैसी थी एंड अब कैसी है। तो गाइज देख सकते हैं आप कितना डिफरेंट आ चुका है हमारी फ़ोटो में, और काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।